हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर देखेंगे जो कि है हमारा होल नंबर्स एंड ऑपरेशन विथ होल नंबर्स। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं एक बार अब देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। जैसा कि हमने लिखा था 1, 2, 3, जो भी नंबर हमें काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर। अब जैसे कि होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर की डेफिनेशन ये है, द ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच जीरो इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इज नोन एज होल नंबर। बहुत सिंपल है, देखो मैंने बताया था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? 1। ये बताया था मैंने, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। लेकिन होल नंबर किस से स्टार्ट होता है? होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में आपका जीरो नहीं होता है, लेकिन होल नंबर में आपका जीरो होता है। सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर विल बी जीरो। ठीक है बच्चों, होल नंबर तो जिसमें हम जीरो को इंक्लूड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या होता है होल। जैसे कि नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते थे आपको अगर याद हो? एन से। तो होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से होल नंबर को हम लोग लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। तो होल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं हम। जैसे कि नेचुरल नंबर लिखते थे वैसे ही लिखेंगे W। ये लिखने का तरीका है, ये आपको समझाने के लिए बस है। तो हम लोग सबसे पहला नंबर क्या लिखते थे? 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? कहीं भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये होल नंबर लिखने का तरीका। और क्या था? जैसे कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स आर एप्लीकेबल टू होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमने नेचुरल नंबर में देखा था 1, 2, 3, 4 काउंटिंग में जो भी यूज़ होता था, वो सारी प्रॉपर्टी क्या होती है? होल नंबर में भी लागू होती है। ठीक है बच्चों, आगे और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फॉर काउंटिंग वी यूज 10 डिजिट। होल नंबर को हम काउंट करने के लिए 10 डिजिट यूज़ करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। और ये क्यों यूज़ होता है? फॉर काउंटिंग। ठीक है, फॉर काउंटिंग द होल नंबर्स वी यूज दिस 10 डिजिट, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। और एक लास्ट आप पढ़ लीजिए, द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब दो होल नंबर का सम हमेशा होल नंबर होगा। जैसे कि 1 + 2 कर लीजिए 3, एक होल नंबर है। तो ये होल नंबर कैसे, मैं आपको और आगे समझाऊंगा, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से है पॉइंट, डेसिमल सिस्टम में सब क्या होता है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि दो होल नंबर, जैसे कि एक 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, या 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो दोनों का सम क्या होगा? होल नंबर ही होगा। आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके हम। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन मतलब कैसे होता है देखो, ये समझ लो मैंने एक लाइन खींचा, सीधी लाइन खींचते हैं हम। नंबर लाइन में क्या करते हैं? सीधी लाइन खींचते हैं, और यहाँ बीच में जीरो होता है कहीं पे। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव मतलब मैं आपको समझाता हूँ, समझ लो 5 तक है। ठीक है बच्चों, यहाँ जीरो के इस तरफ लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1। देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, याद रखना आप लोग। ठीक है, नंबर लाइन। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है बच्चों, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग थोड़ा एक्टिविटी नंबर 1 देख लेते हैं, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, नंबर लाइन में आपको सम दिखाना है। जैसे कि इसमें दो नंबर दिया हुआ है, 3 + 2। ठीक है, 3 + 2 कितना होता है आपको पता है? 3 + 2 हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा? 5। लेकिन इस 5 को हमको कहाँ दिखाना है? नंबर लाइन में दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे किया हमने देखो, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, आपको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ।
ठीक है, ये हमने एक नंबर लाइन खींचा सबसे पहले, तो सीधा खींचेंगे आप लोग स्केल से, ठीक है। ये समझ लो अब जीरो है, ये वन है, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, सब की दूरी एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केल नहीं ले रहा, 3, 4, 5, 6 हमने क्या किया था यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 + 2 = 5, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 कितना आता है, 5। तो हमको इसको नंबर लाइन में करके दिखाना है। सो सबसे पहले हम 3 मार्क कर लेते हैं, यहाँ से पहले हम लोग 3 में जाएंगे, सॉरी इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 में जाएंगे, ठीक है, 0 से लेकर पूरे 3 तक। ये क्या हो गया, प्लस 3, ये देखो 3 हो गया। अब 2, यहाँ से फिर 2, फिर चले जाओ 1, 2, मतलब 5 में जाएगा, ठीक है। तो फिर किस में चले जाएंगे हम लोग, 5 में, क्या किया हमने, प्लस 2, तो आंसर क्या है हमारा, 5। इस तरीके से और देख लेते हैं हम एक और एग्जांपल, एक सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। 8 - 5 = 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8 - 5, ठीक है, क्या है 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3। तो अब हम इसको क्या, हमको क्या करना है, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। आप एक नंबर लाइन खींच लीजिए सबसे पहले, ये समझ लीजिए 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है बच्चों। सो सबसे पहले हम क्या चले जाते हैं, 8 है हमारा, देखो यहाँ पे 8 है ना, सबसे पहले हम 8 में चले जाते हैं, 8 ये आपका यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्लस 8, उसके बाद क्या है, -5, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस मतलब पीछे जाना है हमको, 5 पीछे चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब किस में आ जाएगा, 3 में। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, -5, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3, देखो यहाँ पे भी 3 आ गया आंसर हमारा। तो इसी तरीके से हमको प्लस और माइनस नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने देखा था क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आई होप आपने डायग्राम को अपने कॉपी में बना लिया होगा। आज हम इसके आगे का देखेंगे, ये क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हम पहले चैप्टर को ख़त्म करते हैं, रीजन ऑफ द अर्थ। आज हम क्या पढ़ेंगे, रीजन्स ऑफ द अर्थ, कौन कौन से रीजन्स होते हैं अर्थ में। सी द ग्लोब एंड द मैप ऑफ द अर्थ, इन द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ यू विल सी ब्लू कलर। यहाँ पे अगर दिया होगा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है अर्थ, ठीक है, ऊपर से हम देखेंगे ऐसे दिखता है, तो मेजर पार्ट आपको कौन से कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का। देखो ये सब ब्लू ब्लू दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, अब ये पढ़ते हैं हम। ये है यहाँ पे देखो ब्लू कलर, यहाँ तक हमने कर लिया, ब्लू कलर का होता है क्योंकि दे अपीयर टू बी वाइट इन कलर, मतलब जो अपर पोर्शन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, ऊपर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और नीचे को क्या बोलते हैं, साउथ, ठीक है बच्चों। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या दिखते हैं हमको, वाइट इन कलर, ठीक है। वाइट कलर शोज दैट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच दैट विथ कवर्ड विथ आइस, क्यों, क्योंकि वो आइस से कवर है इसलिए वाइट दिखता है। डू यू नो द आइस फ्रोजन वाटर, जैसे कि तुमने देखा होगा बर्फ, बर्फ कौन से कलर का दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। ऑन द अर्थ वाटर इज फाउंड इन लिक्विड इन सीज लेक्स एंड रिवर एंड इट्स पोल इट इज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। पोल्स में कैसे पाए जाते हैं, पोल्स मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब सबसे ऊपर अर्थ का और सबसे नीचे, ठीक है, ग्लोब में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बर्फ किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म मतलब ठोस में पाए जाते हैं, ठीक है।
इसलिए वाइड दिखते हैं। दिस एरिया विच इज मेड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ। वो जगह जो कि सॉलिड इज मेड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वाटर, किस से बना हो? लिक्विड और सॉलिड वाटर से बना हो, ठीक है। लिक्विड मतलब पानी और सॉलिड मतलब सख्त चीज, उसके पानी से बना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर मतलब अर्थ का, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और भी हमें समझ में आएगा। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर बहुत से होते हैं, ठीक है। बिसाइड द ब्लू एंड द वाइट रीजन, ब्लू क्यों होता है ये तो नहीं बताया इसने, मैं आपको बताता हूँ। ब्लू इसलिए होता है वाटर की वजह से वो ब्लू दिखता है, ठीक है। और कौन सा कलर होता है? वाइट रीजन। द रेस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज सोन इन येल्लो एंड ब्राउन एंड ग्रीन कलर। और बाकी और कौन कौन से कलर हैं? जैसे हमने अभी क्या पढ़ा? वाइट पढ़ा और ब्लू पढ़ा। और कौन से कलर दिखाए जाते हैं अर्थ को? येल्लो कलर भी दिखता है, ब्राउन कलर भी दिखता है और ग्रीन कलर भी दिखता है। तो ग्रीन कलर तो आप समझ गए होंगे, पेड़ों की वजह से दिखता है। दिस इज द रीजन दैट वी कॉल लैंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड, जहाँ पे ये तीनों कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक लैंड नहीं होगा वहाँ पे ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती। ऑन दिस लैंड सरफेस देयर आर माउंटेन्स एट सम प्लेसेस एंड इन अदर प्लेसेस वैलीज एंड फ्लैट लैंड्स, मतलब पहाड़ होते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं लैंड में। लैंड मतलब जमीन, ठीक है। दिस एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। देखो मैंने बोला ना, जहाँ पानी होगा उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोस्फीयर। जहाँ पे लैंड होगा उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑन द अर्थ 3/4 ऑफ द एरिया इज हाइड्रोस्फीयर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। 3/4 मतलब सबसे ज़्यादा भाग क्या है? पानी है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। 1/4 मतलब 1/4 भाग बस लिथोस्फीयर मतलब लैंड है, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। नाउ कैन यू टेल व्हाट इज मोर ऑन अर्थ, वाटर और लैंड? क्या तुम बता सकते हो? बताओ पानी ज़्यादा है कि लैंड? क्या ज़्यादा होगा? पानी, ठीक है बच्चों। यू मस्ट हैव रेड दैट ऑल अराउंड द अर्थ देयर इज एयर, वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट वैन इट फ्लोज। आपने सबने सुना होगा कि हवा हर जगह है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। तो ये तीसरा टर्म आ गया, एटमोसफियर, ठीक है। जो हवा होता है हमारे आस पास में उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोसफियर बोलते हैं। द थिकनेस ऑफ एटमोसफियर इज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ इज क्वाइट लेस। ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। What is air made up of? ये थोड़ा important है बच्चों, देख लो। हवा किससे बना होता है? 99% of the air is found 40 किलोमीटर हाइट, मतलब जमीन से लेकर 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा पाया जाता है। 99% ऑफ मतलब जो एयर हम ब्रीथ करते हैं या छोड़ते हैं, the air contains, वो एयर क्या से बना होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट है। 78% नाइट्रोजन, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, और 1% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वाटर वेपर अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, और क्या क्या मौजूद होता है उस हवा में? वाटर वेपर भी होता है, भाप और कुछ गैसेस और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एक्टिविटी दिए हुए हैं, इसमें सब सेकंड वाला एक्टिविटी देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आज आप इसको अपने क्लास और कॉपी में ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। आज हम यहीं तक करेंगे। क्या क्या चाहिए हमको? चाहिए एक प्लास्टिक और एक ग्लास बोतल। हमको एक ग्लास का बोतल चाहिए, बोतल कॉर्क। बोतल कॉर्क मतलब ये देखो, जो बोतल में ये लगाया ना आपका, और विथ टू होल्स थिन ग्लास ट्यूब। थिन ग्लास ट्यूब मतलब ये देखो, ये जो सीधा सा। और क्या चाहिए? स्ट्रॉ एंड लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब नींबू पानी, ठीक है। फिल 1/4 ऑफ द बोतल विथ लाइम वाटर एंड पुट द कॉर्क इनटू विथ टू होल्स ऑन इट, ठीक है। दोनों में क्या डालना है हमको? लाइम वाटर डालना है, ठीक है। ये देखो ये अंदर में जो पानी है क्या है? लाइम वाटर है। आगे देखते हैं हम क्या करना है फिर, और उसमें होल कर देना है। सील द टू होल्स विद द वैक्स ऑफ लाइट कैंडल, और उसको पूरी तरीके से पैक कर देना है हमको ये माउथ के पास, ठीक है, दोनों का। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? द इनर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब ए शुड बी टोटली डिप्ड इन द लाइम वाटर एंड द इनर एंड ऑफ ट्यूब बी शुड बी अबोव द वाटर सरफेस। मतलब देखो दो ट्यूब है, ठीक है। दो ट्यूब कौन सा है? देखो ये वाला और ये वाला। एक ठो पानी में डूबा होना चाहिए और एक ठो पानी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पानी के ऊपर है और ये वाला पानी के नीचे है, ठीक है बच्चों। आगे देख लेते हैं। फ्रॉम द आउटर एंड ऑफ द ट्यूब बी सक द एयर आउट, बाय डूइंग दिस द एयर इनटू द बॉटल फ्रॉम द ट्यूब ए बिकॉज वी सी बबल्स ऑफ एयर इन द लाइन वाटर। फिर क्या करना है हमको? फूक मारना है। ये देखो यहाँ पर फूक मार रहा है तो क्या हो रहा है? बबल आ रहा है, देख रहे हैं आपको, ये बबल आ रहा है बी में, देखो आप। तो क्या होगा उसके बाद? क्या होगा? बिकॉज आफ्टर सम टाइम द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एक्सपेरिमेंट शो दस द एयर कंटेंस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो होगा ना आपका, ये वाला जिसमें हमने हवा फूंक मारा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि
हवा हमने छोड़ा उसमें, जब हवा हमारे लाइन वाटर से वो होगा मिक्स होगा तो वो उसका कलर क्या कर देगा, वाइट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हम हवा उसके अंदर छोड़ेंगे उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो इस डायग्राम को आप अपने कॉपी में बनाएंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अर्थ एंड द सोलार सिस्टम, ठीक है, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी करने की कोशिश करेंगे, इसे भी हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये अर्थ एंड द सोलार सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स का साइंस, सोशल साइंस का ज्योग्राफी बुक आप खोल लीजिए। पिछले क्लास में हमने प्लैनेट्स, पोल स्टार ये सब पढ़ा था, आज हम सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सोलार सिस्टम मतलब हमारे प्लैनेट्स, अर्थ, मून, ये सब मिला के हमारा जो सोलार सिस्टम बनता है। तो देख लेते हैं सोलार सिस्टम क्या होता है। द सन, एट प्लैनेट सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉयड्स फॉर्म द सोलार सिस्टम। मतलब जो मैंने बताया सन, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉयड्स, एस्ट्रॉयड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। ये सब मिल के क्या बनते हैं, हमारे सोलार सिस्टम। वी ऑफन कॉल देम इट एज अ सोलार फैमिली व्हेन द सन, वेयर द सन इज एज इट्स हेड। सबसे मतलब हेड कौन है, मतलब बड़ा कौन है, सन है सबसे इस सोलार फैमिली का। तो इसलिए सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ लेते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन सबके बीच में, जिसके बगल आजू बाजू सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है बच्चों। और ये सन बना किससे, बहुत सारे हॉट गैसेस से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलार सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलार सिस्टम, बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ड सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बींग नियरेस्ट स्टार इट इज द फार अवे फ्रॉम अस। बोल रहा है कि ये क्या बोलते हैं, पुलिंग फोर्स ऑन द बाइंड ऑफ द सोलार सिस्टम, इसके जो पुलिंग फोर्स है और जो इसका बाइंडिंग फोर्स है इसकी वजह से सारे प्लैनेट्स इसके आजू बाजू घूम रहे। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, और इसकी वजह से ही हमारे प्लैनेट या बाकी प्लैनेट में हमको उजाला और ताप बोलते हैं, मतलब गर्मी हमें मिलती है सूरज की वजह से, ठीक है। बट द ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फील्ड, लेकिन जो इतना गर्म है वो हमको क्यों नहीं फील होता, जैसे कि है तो बहुत गर्म क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं, अभी भले हमें दिखाई देता है लेकिन हम उससे दूर हैं। कितना दूर है, द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना, 150 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। द 10 लाख इंटू 150 आप करोगे, इतने मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे हमारा सन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्लैनेट्स क्या होता है। देयर आर 8 planets इन आवर सोलार सिस्टम, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है बच्चों। तो हमारे 8 planets के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, आपने अगर वो स्टार बना लिया है, आपको इस क्लास में आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, आपको ये सोलार सिस्टम बनाना होगा, ठीक है बच्चों। सन, मर्क्यूरी आपके बुक में, या मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, आपको इसका नोट्स दूंगा, तो आप उससे इसको आपको बनाना पड़ेगा, पूरे नेपट्यून और 8 sun and 8 planets को, ठीक है। उसके नाम दिए हुए हैं अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये आप याद कर लीजिएगा। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलार सिस्टम मूव अराउंड द सन, सब कहाँ पे घूमते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और ये पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिसमें ये घूमते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, सबसे पास में कौन है सन के, मर्क्यूरी, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये सन है, इसके पास में क्या है, मर्क्यूरी, सबसे पहले क्या है, मर्क्यूरी देखो, उसके बाद क्या है, वीनस, उसके बाद है अर्थ हमारा। उसके बाद पढ़ लेते हैं, इट टेक्स ओनली 88 days टू कम्प्लीट 1 round अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, मतलब इसको जैसे हमको 365 days लगते हैं एक राउंड मानना किसका, सन का, वैसे इसको कितने दिन लगते हैं, 88 days लगते हैं बस। और वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, और वीनस जो होता है जो कि सेकेंड नंबर में है, वो उसका साइज और वो किसके बराबर है, अर्थ के बराबर, जहाँ पे हम रहते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, 2006 तक, मतलब 2006 तक एक और प्लैनेट हुआ करता था, मतलब यहाँ पे ये आपको अगर दिख रहा हो नेपट्यून, नेपट्यून के बाद यहाँ पे भी एक प्लूटो हुआ करता था, ठीक है बच्चों। ये तो नेपट्यून हो गया, इसके बाद एक तो यहाँ पे प्लूटो भी होता था, लेकिन उसे 2006 के बाद हटा दिया गया कि वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा, यही बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें वही बताया गया है कि प्लूटो को हटा दिया गया। उसके बाद हम अपने प्लैनेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं।
द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तीसरे नंबर में क्या आता है हमारा, अर्थ आता है। ये देखो अर्थ, ठीक है। पहले आता है सन, के बाद आता है मर्क्यूरी, फिर वीनस आता है, उसके बाद क्या आता है, अर्थ। ठीक है बच्चों, तो अर्थ है थर्ड नंबर पे। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे साइज के मामले में देखोगे तो फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स, और ये थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है। पोल्स मतलब कहाँ पे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम पोल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, समझ लो ये है हमारा अर्थ। तो ये जो ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, वो कहाँ पे क्या है, फ्लैट टाइप का है थोड़ा। दैट इज़ वाई द शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। जियोइड मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप, मतलब अर्थ का जैसे कि फ्लैट है हमारा पोल्स पे, उस तरीके को शेप को क्या बोलते हैं, हम जियोइड बोलते हैं, ठीक है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, और जीवन जहाँ पे मतलब जिंदा रह सकते हैं लोग, वो बोला जाता है सिर्फ अर्थ में ही लोग जिंदा रह सकते हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ एक ऐसा जगह है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे हवा भी है और पानी भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन भी है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम, इस वजह से हमारा अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसका दो तिहाई हिस्सा मतलब टू थर्ड पोर्सन पानी से भरा हुआ है, इसलिए हमको प्लैनेट कैसे दिखता है, ब्लू दिखता है, पानी का कलर क्या है, ब्लू, और इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं हमारे अर्थ को, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे सैटेलाइट के बारे में, जो कि है हमारा मून, जो हमको रात को दिखाई देता है। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, वो क्या है, मून है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के बराबर में नहीं है, इसका वन क्वार्टर है, ठीक है, मतलब उसका एक चौथा हिस्सा आप मान लीजिए अर्थ का, इतना ही बड़ा है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है तारों से, सन से, क्योंकि ये हमारे सबसे पास में है अर्थ के। ये कितना किलोमीटर दूर है, 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, तो आप पता लगा सकते हैं सन हमसे कितना दूर है, मून कितना दूर है। मून बहुत ही कम दूर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, और ये कितने दिनों में घूमता है, 27 डेज में घूमता है। इट टेक्स एक्जैक्टली द सेम टाइम टू कम्प्लीट वन स्पिन, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसका मतलब समझ में आया, 27 डेज तो लेता है, उसके बाद ये जो एग्जैक्टली सेम टाइम टू कम्प्लीट वो घूमता भी है अर्थ के, तो इस वजह से क्या होता है, इसका हमको एक ही साइड दिखाई देता है हमेशा। मून हमेशा देखना एक जैसा नहीं दिखाई देता है, किसी दिन एक पोर्शन दिखाई देता है, फिर दूसरे दिन थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, फिर तीसरे दिन और बड़ा, क्योंकि उतना ही पोर्शन, क्योंकि वो भी घूम रहा है साथ ही साथ हमारे, और ये घूमने में कितना दिन लेता है, एक रिवॉल्यूशन में 27 डेज। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, वहाँ पे भी इंसान नहीं रह सकते जिंदा। इट हैज़ वहाँ पे ना पानी है ना हवा है, इट हैज़ माउंटेन्स, वहाँ पे सिर्फ पहाड़े हैं, ठीक है बच्चों। वही बताया गया है, दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस लुक एट द, ये एक तस्वीर ली गई थी, लुक एट द फूल मैन ऑब्जर्व दिस शैडोज, ये देखो यहाँ से ये जो तस्वीरें ली गई हैं ये हैं, ये रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, किस तरीके से हम रॉकेट को कैसे भेजते हैं, ठीक है, चांद में भेजें या दूसरे प्लैनेट में भेजें, इस तरीके से भेजा जाता है रॉकेट के थ्रू, ठीक है। और ये सैटेलाइट है जो कि हमारे ऑर्बिट में घूम रहा है। अब देखते हैं हम एस्ट्रॉयड, जो कि मैंने बोला कि एस्ट्रॉयड भी घूम रहे हैं। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स दे आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच मूव्स अराउंड द सन, ये भी सन के अराउंड ही घूम रहे हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये हमको मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा मार्स, ये मार्स हो गया, और ये जुपिटर, इसके बीच में क्या है, एस्ट्रॉयड है, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यहाँ पे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, मतलब क्या बोलना चाहता है साइंटिस्ट, ये बोलते हैं एस्ट्रॉयड भी एक पार्ट है प्लैनेट का, जो कि बहुत दिन सालों पहले फूट गया था, या बोल सकते हैं अलग हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं मेट्रॉइड्स क्या होते हैं,
ठीक है, मेटेरॉइड्स होते हैं हमारे और भी छोटे, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स के और छोटे हिस्से जब करते हैं, विच मूव्स अराउंड द सन, जो सन के अराउंड घूमते हैं, समटाइम दिस मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और कुछ टाइम में क्या होता है, मेटेरॉइड्स धरती के पास भी घूमते हैं और गिर जाते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और इस वजह से क्या होता है, जब ये टकराते हैं अर्थ से तो इनमें घसड़न, मतलब घसन जो बोलते हैं घिसड़ना वैसा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, वो जनरेट होता है, इसकी वजह से जल जाते हैं, इट कॉजेस फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स ऑफ मेटल्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, ठीक है, एक हॉलो की तरह क्रिएट हो जाता है, जो कि ये मेटल्स जो गिरते हैं जो कि बर्न नहीं होता, कुछ जो बर्न हो जाते हैं वो तो जल जाते हैं और जो नहीं होते वो हॉलो एक स्पेस क्रिएट करके बिना जले गिर जाते हैं नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटोर, ठीक है, मेटेरॉइड्स अलग होते हैं, मेटोर अलग होता है, डू यू सी अ व्हाइटिश बोर्ड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई व्हेन ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, दिस बैंड इज द मिल्की वे, इस तरीके से क्या कम आपने कभी देखा है जब बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के चीज़ को इसको बोलते हैं मिल्की वे, बहुत सारे स्टार एक साथ दिखाई देना, और इस बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे, ठीक है बच्चों, आवर सोलार सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, इस गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलार सिस्टम, गैलेक्सी बहुत बड़ा होता है, उसका एक हिस्सा है हमारा सोलार सिस्टम, इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइफ फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, ठीक है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार क्लाउड्स डस्ट ऑफ गैसेज, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, मतलब ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी को मिला के क्या बनता है, एक यूनिवर्स, जैसे कि बहुत सारे सोलार सिस्टम को मिला के क्या बनता है, सोलार सिस्टम हो गया हमारा, वैसे उसको मिला के क्या बना है, गैलेक्सी, और बहुत सारे गैलेक्सी को मिला के क्या बनता है, एक यूनिवर्स बनता है, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, हमको नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाउंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में और जानने की, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, लेकिन हमको इतना पता है हम सब इस यूनिवर्स का एक पार्ट हैं, ठीक है, देखो ये आप समझने की कोशिश करनी, ये है अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसको मिला के क्या बना, एक सोलार सिस्टम, सारे प्लेनेट को मिला के क्या बना, सोलार सिस्टम, और इस सोलार सिस्टम को मिला के क्या बना, एक मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी बना, और सारे गैलेक्सी को मिला के क्या बना, एक यूनिवर्स बना, ठीक है बच्चों, सो आपको आज क्या करना है, आपको ये सोलार सिस्टम अपने कॉपी में ड्रॉ करना है इसको, ठीक है, ये आपका सोलार सिस्टम, ये आपको अपने बुक में मिल जाएगा, इसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और टिक द करेक्ट आंसर, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स का इंग्लिश रीडर का चैप्टर टू लेसन टू पढ़ेंगे, जो कि है द सन गोज ऑन अ हॉलीडे, मतलब अगर सूरज, सन मतलब सूरज अगर एक दिन की छुट्टी में चला गया तो क्या होगा, जैसे कि एवरी वन एन्जॉयज अ हॉलीडे, हॉलीडे मतलब क्या होता है, छुट्टी, ठीक है, बोल रहा है कि सभी को छुट्टियाँ पसंद है, सो वन फाइन संडे, तो एक दिन क्या हुआ, संडे के दिन द सन ऑल्सो टू का हॉलीडे, और सूरज क्या किया, छुट्टी पे चला गया, इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई, पूरा सूरज मतलब आसमान से दिखना ही बंद हो गया, डार्कनेस कवर्ड द अर्थ, मतलब पूरे धरती पे क्या हो गया, अंधेरा छा गया, अ स्क्वायरल वॉज चेजिंग इट्स फ्रेंड इट स्टॉप्ड, मतलब एक स्क्वायर मतलब ऐसे गिलहरी एक अपने दोस्त की तरफ भाग रहा था, वो भी रुक गया क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वंडर्ड एट द डार्कनेस, वो देखा कि पूरा अंधेरा हो चुका, इट गेस्ड समथिंग वॉज रॉन्ग एंड रैन होम, और उसे लगा कि कुछ गलत हुआ है और वो घर की तरफ भागने लगा, अ लिटिल प्लांट सर्च्ड फ्रॉम द सन फॉर द सन इट कुडंट ग्रो विदाउट द सन, और एक छोटा सा पौधा भी सन को खोजने लगा क्योंकि वो बड़ा नहीं हो सकता इस सूरज के रोशनी के बिना, फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो ऑन द ग्राउंड, और वो मतलब उदास होके धरती की तरफ झुकने लगे, अदर ट्रीज ऑल्सो मिस द सन, और दूसरे बड़े बड़े पेड़ भी सन को मिस करने लगे, ठीक है, मदर बर्ड पिप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट, मदर बर्ड मतलब चिड़िया की माँ अपने नेस्ट से बाहर आके देखने लगी, एंड विस्पर टू द लिटिल वंस, और अपने बच्चों को बोलने लगी,
अबाउट द डार्कनेस, जो अंधेरा हो चुका था. सी वॉज सैड बिकॉज सी कूडेंट गो आउट टू फाइंड फूड. वो खाना खोजने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. फॉर देम, उन बच्चों के लिए. द बी कूडेंट फाइंड एनी हनी, और जो मधुमक्खी है वो भी हनी नहीं खोज पा रही थी. हनी के लिए मतलब फ्लावर से जो वो हनी खोजते थे वो भी नहीं कर पा रहे थे. बिकॉज द फ्लावर डिडेंट ब्लूम, क्योंकि फूल खिले ही नहीं थे क्योंकि सूरज नहीं निकला था. सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, अपने घर की तरफ चला गया. द सन वाजंट देयर सो द विंड गॉट स्टक अप द हिल, और सूरज नहीं निकला इसलिए क्या हुआ, सारे हवाएं भी रुक गई. उसके बाद क्या हुआ, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब हम इंसान भी काम करना बंद कर दिए क्योंकि सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. दे ओपन देयर विंडोज एंड सेड, सारे अपनी खिड़कियां खोले और बोलने लगे, व्हाट हैपेंड टू द सन, क्या हो गया इस सूरज को. इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर एंड द वार्मथ ऑफ द सन वॉज मिसिंग टू, और सब लोग सूरज की रोशनी को मिस कर रहे थे. ऑल ऑफ देम प्रेड टू द सन टू राइज, सारे के सारे प्रे करने लगे कि हे भगवान सूरज को उगा दो. द सन लुक डाउन फ्रॉम इट्स एबोर्ड, द स्टिलनेस ऑन द अर्थ सॉक्ड द सन, और सन को भी बहुत बुरा लगने लगा और बहुत अचंभित हो गया कि इतना सब लोग कैसे दुखी हो रहे हैं. द सन फेल्ट सॉरी, सन को बहुत बुरा लगा. द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, कि पूरा धरती बिना लाइफ, मतलब सब मर गए हैं ऐसा लग रहा था. दिस मेड द सन वेरी सैड, और जो सन था वो भी बहुत दुखी हो गया. सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे, इसलिए सूरज ने क्या किया, वो अपना हॉलीडे कैंसिल कर दिया. एंड स्टार्स शाइनिंग अगेन, और फिर से चमकने लगा. ठीक है. द प्लांट ग्रीव एंड फ्लावर्स ब्लूम, और इसको देखते हुए क्या हुआ, सारे पेड़ फिर से उगने लगे और फ्लावर फिर से खिल गए. बीज एंड बर्ड्स स्टार्ट शाइनिंग, और जो बीज हैं और जो पक्षियाँ थी वो गाना गाने लगी, स्टार्टेड सिंगिंग. द रिवर फ्लोड जॉयफुली एंड द विंड ब्लो, और हवा चलने लगी और समुद्र भी बहने लगे. ठीक है, नदियाँ बहने लगी. मदर बर्ड वॉज हैप्पी एंड एवरी वन ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क, और सारे जितने चिड़ियाँ हैं और जो इंसान हैं इस धरती में सभी अपना काम पे वापस चले गए. इंडीड द सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे, मतलब सन जो है वो कभी भी छुट्टी पे नहीं जा सकता. तो बच्चों हम इसका कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. ठीक है, शब्दार्थ. विस्पर मतलब क्या होता है, स्पीक इन सॉफ्ट एंड लो वॉइस, मतलब बहुत ही धीरे बोलना. एबॉर्ड मतलब क्या होता है, होम मतलब घर. ठीक है, स्टील मतलब विदाउट मूवमेंट क्वाइट, बहुत ही शांत तरीके से रहना. चेस मतलब टू रन आफ्टर समवन टू कैच हिम, ठीक है, किसी के पीछे भागना. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो वर्ड मीनिंग को एटलीस्ट आप पढ़ के रखिएगा, काम आएगा आपको. ठीक है, थैंक यू.